हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल जेई 2019 में जो आपका पेपर हुआ है, यानी 25 नवंबर एंड 27 नवंबर को, उससे कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ से लेके लोगों को बहुत से डाउट बने रहते हैं, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे भागने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो पेपर आपका जो हुआ था वो 25 को दो मीटिंग में हुआ था और 27 को दो मीटिंग में पेपर हुआ था। अगर पेपर के टफनेस की बात करें, डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, तो 27 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो आपका थोड़ा सा टफ था, कंपैरिजन करें अगर 25 वाले से और 27 के फर्स्ट शिफ्ट से, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म है कि 27 वाले सेकेंड शिफ्ट में जो भी बच्चे थे और वह अपने मार्क्स थोड़ा 25 वाले से, 27 के फर्स्ट शिफ्ट वाले से थोड़ा बहुत अगर 5-7 नंबर कम भी लाते हैं ना, तो भी वह उनके इक्वल हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन से, वह उनके इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। तो अगर अब मैं बात करूं कट ऑफ से रिगार्डिंग, तो बहुत से बच्चों का मेरे पे कमेंट आया कि सर आपने इतना प्रैक्टिस सेट करवाया लेकिन आपने कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाया और ना ही कुछ बताया कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी नहीं जा सकती है। तो भाई क्या प्रिडिक्शन करना, एक चीज़ और समझो, क्या प्रिडिक्शन करना। आपने एसएससी का रिजल्ट देखा, एसएससी जेई का रिजल्ट आपने देख रखा होगा, कोई क्या प्रिडिक्शन करे। प्रिडिक्शन करने का मतलब ये है कि कुछ तो सही हो, एक दो नंबर का फासला होता तो समझ में आता है। कोई कह रहा 130 प्लस पे लेके जनरल में सेफ हो और कट ऑफ जा रही 150 प्लस, अब बताओ किस हिसाब से कहोगे कि प्रिडिक्शन किया जाए, किस हिसाब से। अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएल में, अब यूपीपीसीएल में लोगों ने बता दिया कि 140 प्लस लेके आ रहे हो जनरल में तो आप सेफ हो, बट कैसे कह सकते हो यार, क्या ये कंफर्म है कि आप 140 प्लस लेके सेफ ही हो। पिछली बार का देखे नहीं हो क्या हुआ था। तो कट ऑफ की कभी भी बातें मत किया करो, हमेशा ये मत सोचा करो कि आप, और जानते हो डर किनको लगता है, जो एकदम बॉर्डर पे होते हैं, जिनको लगता है यार मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नौकरी आज के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइनिंग मतलब कि अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती है ना, तो फिर आप खुद ही परेशान हो जाते हो। अगर आप थोड़े बहुत जैसे 60% मार्क्स गेन कर लिए हो, 60% का मतलब कि 120 मार्क्स अगर आप लेके आए हो, तो लगता है कि बहुत मार्क्स लेके आ गए हो, बट कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना भाई, पेपर इजी आए या टफ आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि पेपर टफ आ रहा है कि इजी आ रहा है। जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है ना, पेपर टफ से टफ बन जाएगा वह बंदा तब भी 150 लेके आ जाएगा, अगर पेपर आसान से आसान बनेगा तब भी वह बंदा 150 प्लस ही लेके आएगा, ठीक है। तो ये मेन बात यह है कि आपकी जो मतलब प्रिपरेशन है वह कितनी अच्छी है। अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम सुपर है तो फिर ये समझ जाओ कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो यार मैंने इस वाले यूपीपीसीएल में मैंने इतने मार्क्स ला लिया, 130 मार्क्स ला दिया है, तो मैं सेफ जोन में हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ को आप समझो, आप जो कट ऑफ के पीछे भाग रहे हो ना, सब के सब धरे के धरे रह जाएगा। कभी देखना आप, कोई कह रहा है ना 140 प्लस, हो सकता है कट ऑफ इससे बहुत नीचे आ जाए, क्योंकि पेपर का टफनेस इस बार ठीक ठाक था यूपीपीसीएल का, और जो पेपर थे वह न्यू फ्रेम्ड पेपर थे, मतलब कि न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चन थे, कोई भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं था। तो इस बार कट ऑफ भी हाई जाने का चांस नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ठीक है, कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बट कैसे कह सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और वो 140 प्लस मैक्सिमम लोग लेके आए हो। आप जानते हो, आप किसको जानते हो ये बताओ, आपके फ्रेंड सर्किल में जानते होंगे, कुछ आपके इंस्टीट्यूट या आपके कोचिंग में पढ़ रहे होंगे आप उनको जानते होंगे, और किसी को जानते हैं क्या? इतने लोग ही पेपर दिए थे आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कोचिंग में कितने लोग पढ़ते होंगे, मैक्सिमम 200, चलो 500 पढ़ते होंगे, इतने लोगों को थे जानते हो, इससे ज़्यादा किसी को जानते हो? पेपर कितने लोगों ने दिया था, 33,000 लोगों ने। तो कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, कट ऑफ की प्रिडिक्शन लगाना आसान है, कोई कितना भी पोल कर ले। मेरे पे इतने कमेंट्स आए बहुत से लोगों के, मेरे पे व्हाट्सअप से बहुत से लोग जुड़े हैं, 200-250 लोग, सब लोगों ने बताया, कोई कह रहा मेरा 135 है, कोई कह रहा मेरा 142 है, कोई कह रहा मेरा 130 है, कोई कह रहा 125 है। क्या प्रिडिक्शन लगा लोगे बताओ, कुछ प्रिडिक्शन लगा सकते हो इसके लिए? तो कट ऑफ की तो बात ही मतलब मत सोचा करो। अगर आपने देखो, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो ज़रूरी नहीं कि आप यूपीपीसीएल में ही सिलेक्ट हो, हो सकता है कि आपके आने वाले चांसेस आपके लिए बहुत अच्छा कर जाएं, ठीक है। तो यूपीपीसीएल ही आपके लिए नहीं है सिर्फ, हाँ यूपीपीसीएल में आपकी मतलब जॉब लग जाएगी आपके लिए बढ़िया है, बट चीज़ को समझो ना आप, आपको उतना मार्क्स भी लाना पड़ेगा। आप जैसे कोई है 115 प्लस लेके आ रहा है, कह रहा है कि मेरा 27 के सेकंड शिफ्ट में है, तो क्या मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ? भाई क्या कहा जा सकता, हो सकता है कि 27 के सेकंड शिफ्ट मतलब सेकंड शिफ्ट में पेपर टफ था, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बट
हो सकता है कि आपने ये जो 115 प्लस मतलब लेके आए हो, तो उसमें हो सकता है कि आपने जो 85 क्वेश्चन थे इसमें से आपने 70 क्वेश्चन गलत करके फिर 150 मतलब प्लस लाए हो। ठीक, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 70 गलत किए हो इसका भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन पे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इस 150 प्लस पर ही पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डालेगा ना इस नंबर पे कि आपको कितना बढ़ना चाहिए कितना नहीं बढ़ना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन आपका इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आप रॉन्ग कितना करके आते हो। तो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बहुत लोग बैठे हैं, तो वो भी इस चक्कर में ना बैठे रहें, कुछ भी हो सकता है। और UPPCL है, UPPCL तो हमेशा जब रिजल्ट देता है तो धमाका करता है। ठीक, आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो लोगों ने पेपर मतलब UPPCL की मतलब स्पेशली UPPCL की तैयारी करते हैं, तो भाई उस चीज़ को आप समझो। ठीक है, तो मेरा ये यहाँ मानना है कि जो अनरिजल्ट में है कट ऑफ देखो उतनी है जितना सब लोग बता रहे हैं, उतनी के आसपास ही जानी चाहिए। बट मुझे लगता है कि आप प्लस माइनस 10 नंबर लेके चलो, कि हो सकता है कि जितनी भी कोई बता रहा है, जैसे 140 प्लस आप जनरल के लिए बता रहे हो सेफ है, तो इसमें 10 ना प्लस माइनस लेके चलो। हो सकता है कट ऑफ 140 प्लस से नीचे भी आ जाए, बट एक कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि 140 प्लस ही सेफ है, ये भी कन्फर्म समझ लो। ठीक है, हाँ 140 प्लस से नीचे भी कट ऑफ आ सकती है मे बी, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार थोड़ा ठीक ठाक था और थोड़ा डिफरेंट था हर बार के पेपर से। तो इस बार बहुत से लोगों का कहना यही है कि पेपर आपका इस बार अलग था, तो कट ऑफ भी इस बार आपकी अलग होगी। अलग होने का मतलब कि कुछ कम तो जाएगी हर बार की तरह, मतलब हर जैसे पिछली बार था कोई ने उम्मीद नहीं की थी कितना जाएगी, बट अब इस बार हो सकता है कि कुछ कम जाए। ठीक है, तो कट ऑफ से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को जरूर बताओ। और हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि आपने कट ऑफ ये बताया तो इतना नहीं जाएगी, ऐसा 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 कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो जनरल में अगर 140 प्लस है तो फिर ठीक है, OBC में अगर आप हैं तो 137 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो फिर आप सेफ हो। ठीक है, ये जो है नॉर्मलाइज है ना कि रॉ मार्क्स है। ठीक है, SC में अगर आप 170 प्लस या फिर 120 प्लस लेके आ रहे हो, क्योंकि आप हमेशा देखोगे कि जब भी जनरल और OBC के मार्क्स से 10 से 15 नंबर वेरिएशन होता है, तो 120 प्लस आपके लिए सेफ रहेगा, 122 123 प्लस आपके लिए SC में सेफ रहेगा। ठीक है, ST में अगर बात करें तो ST में आप पहुँचोगे तो ST में आपका देखोगे तो, और हाँ रहेगी बात, देखो इसमें ये भी है कि जो 123 प्लस है ना, ये ज़रूरी नहीं कि ये नॉर्मलाइज, क्योंकि अब देखो कट ऑफ की बात अगर करें तो SC और OBC में थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा नहीं होता। OBC से और SC के बीच में डिफरेंस कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे पावर ग्रिड वगैरह उठा के देख लो, बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस नहीं होता है, 3-4 नंबर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि SC की कट ऑफ और OBC की कट ऑफ, इसमें जैसे अगर 135 प्लस है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे SC की कट ऑफ 127 के आसपास ही जाए। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा। तो मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे लेके आए हैं 127, बहुत लोग नहीं लेके आए हैं भाई। ठीक है, ST में आप 120 के आसपास पहुँच रहे हो या फिर 170 पहुँच रहे हो, तो फिर आप सेफ हो। ठीक है, तो कट ऑफ से रिलेटेड यही मेरी मतलब कि मेरा मानना था, बहुत से लोगों ने कहा था तो मैंने इस चीज़ पर बताया ताकि आपको कट ऑफ से थोड़ा सा और भी ध्यान हट जाए कि कट ऑफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो होगा वो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं पता लगने वाला है। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ भी पता नहीं लगने वाला है। ओके, थैंक यू।